हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जेईई मेन 2022 डेट्स के बारे में। जी हाँ गाइस, आप लोगों का जो है जेईई मेन 2022 का अप्रैल एंड मई सेशन, यानी कि सेशन वन सेशन टू दोनों का डेट्स यहाँ पे अनाउंस हो चुका है। अब गाइस, कब आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, कब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट है, आइए हर चीज़ चेक करेंगे डिटेल में। सिंपली क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करना है। इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज एग्जाम डेट आउट। तो नीचे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप लोगों को यहाँ पे नीचे जो एक नोटिफिकेशन कॉलम दिखा देगा। तो ये उसके पहले यहाँ पे आप लोगों को एग्जाम डेट्स बता दूँ, यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हर एक दोनों सेशन की एग्जाम डेट्स दिखाई देगी। अब गाइस, आप लोगों का जो यहाँ पे अप्रैल सेशन का यानी कि फर्स्ट सेशन का जो यहाँ पे नोटिफिकेशन है, वो आज ही के दिन 1 मार्च को रिलीज हुआ है। एप्लीकेशन फॉर्म भी आज के दिन रिलीज हो चुका है। अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं किया तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप लोगों को यहाँ पे वीडियो दिखाई देगा, इस वीडियो को आप प्ले कर सकते हैं। इस वीडियो में लाइव एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके बताया है, सेम प्रोसेस फॉलो करके आप अपने एप्लीकेशन डायरेक्टली फिल करके सबमिट कर पाएंगे। बात की जाए फाइनल डेट, तो 31 मार्च फाइनल डेट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने का। अब गाइस, यहाँ पे आप लोगों का एग्जाम जो है 16 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। यहाँ पे ये था आप लोगों का अप्रैल सेशन सेशन वन के डेट्स। मई सेशन की बात की जाए तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों का 8 अप्रैल को रिलीज किया जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर आप लोगों का जो एग्जाम है यहाँ पे 24/5/2022 में आप लोगों का एग्जाम जो है कंडक्ट करवाया जाएगा टिल 29/5/2022 तक। अब गाइस, इसी के साथ अगर आप लोगों को यहाँ पे डेट्स पूरे क्लियर हो गए, इसी के साथ अगर कोई भी नया अपडेट आता है, कोई भी डिटेल्स आती है जेईई मेन 2022 की, तो अगर आप चाहते हैं सबसे पहले आप लोगों को नोटिफाई किया जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।